फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एमआई फाइल मैनेजर जो है पूरी तरह से डार्क मोड में है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा है और इसका लुक भी बहुत ज्यादा कूल हो चुका है। अगर आप भी एमआई फाइल मैनेजर में डार्क मोड को एनेबल करना चाहते हैं तो इस 2 मिनट की वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे जाके आप मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर नहीं किया है तो अभी जाके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और टेक्नो माइंड उज्जवल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एमआई फाइल मैनेजर पे डार्क मोड को इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाइए। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एमआई का जो फाइल मैनेजर है वो दुनिया का बेस्ट फाइल मैनेजर है। मैंने बहुत सारा फाइल मैनेजर ट्राई करा है बट एमआई का जो फाइल मैनेजर है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा आसान एंड सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग लगा है। अगर आप एमआई फ़ोन यूज़ नहीं करते तो अभी जाके प्ले स्टोर से इस फाइल मैनेजर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। आप ट्राई करके देखिए, इसका फाइल मैनेजर जो है एमआई का बहुत बढ़िया है। अगर आप एमआई फ़ोन यूज़ करते हैं यानी Xiaomi फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में आके इस फाइल मैनेजर को आप अपडेट कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी और कंपनी के फोन यूज करते हैं तो इस फाइल मैनेजर को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डार्क मोड का फीचर जो है दिख जाएगा, उसको आप सिंपली एनेबल कर दीजिए तो एमआई का जो फाइल मैनेजर है पूरी तरह से डार्क मोड में चला जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फाइल मैनेजर का जो लुक है पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा ऑसम हो चुका है, कलर सारे जो है निखार के आ रहा है, एकदम सुपर हो चुका है, एक ही शब्दों में आप कह सकते हैं इसे। फ्रेंड्स ये अपडेट तो बहुत बढ़िया लगा है मुझे, बट इस अपडेट के साथ आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। एमआई फाइल मैनेजर पर पहले ही आपको बहुत सारा ऐड दिखता था, ये अपडेट आने के बाद आपको और भी ज़्यादा ऐड दिखने लग जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे एकदम लास्ट में सेटिंग ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। सेटिंग ऑप्शन पे आने के बाद आपके यहाँ पे अबाउट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन दिखेगा जो कि एनेबल रहेगा, उसको आप सिंपली डिसेबल कर दीजिए तो आपसे आपको एमआई फाइल मैनेजर के अंदर कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने टेक्नो माइंड उज्जवल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही टिंग करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।